नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन प्लेइंग गर्ल। मैं हूं आरती चावला और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं टॉप 3 अमेज़न फाइंड्स फॉर माय हेयर केयर दैट आई एब्सोल्युटली लव। एंड मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है दैट मैं इनके बिना कहीं ट्रैवल भी नहीं करती हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज प्रोडक्ट्स। हजारों चीजें ट्राई एंड टेस्ट करती रहती हूँ मैं, पर उस चीज को हमेशा कंटिन्यूसली यूज करना इज नॉट माई थिंग। पर इन तीन चीजों ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है और मुझे इनकी एडिक्शन हो गई है गाइज, इसीलिए आज मैं आई हूँ अपनी टॉप 3 अमेजोन फाइंड्स फॉर माई हेयर केयर शेयर करने। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो, बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज इसी वीडियो में मैं अनाउंस करने वाली हूँ हमारे दो गिव अवे के विनर्स। सो कम ऑन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। माई हेयर टाइप इज वेवी एंड फ्रिजी एंड इसलिए मुझे चाहिए होता है कुछ ना कुछ यू नो टू अपने बालों को मैनेज करने के लिए। एंड हमेशा ब्लो ड्रायर और वो ब्रश से मैं उसे कर करके यू नो हमेशा आप नहीं कर सकते हो। इट्स लिटिल बिट ऑफ हैसल, इट्स लिटिल बिट ऑफ बल्की टू यू नो कैरी योर प्रोफेशनल हेयर ड्रायर एंड ब्रश एवरी वेयर एवरी नाउ एंड देन। सो आई ट्राइड एंड टेस्टेड आउट फ्यू थिंग्स, बट मुझे सबसे बेहतर लगा है ये प्रोडक्ट जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। जस्ट चेंज्ड माई लाइफ। इसको मैंने 6 महीने पहले ऑर्डर किया था एंड तब से अभी तक इसने मुझे नहीं धोखा दिया है एंड मैं इसे हमेशा कॉन्स्टेंटली यूज भी कर रही हूँ। सो आई एब्सोल्युटली लव द टेक्नोलॉजी दैट एंड जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी। आई एब्सोल्युटली लव दिस 2-in-1 हेयर ब्रश बाय अगारो। नाउ दिस इज अ मल्टीपर्पज, इससे आपके हेयर ब्लो ड्राई भी कर सकते हो आप एंड साथ में सेट भी कर सकते हो एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली भी मुझे लगता है। मेरे बैग में आसानी से आ जाता है तो इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। हेयर वॉश के बाद इसे यूज करती हूँ, वो कोम एंड यू नो हेयर ब्लो ड्रायर का जो होता है हैसल वो मुझे अब नहीं करना पड़ता। आई एब्सोल्युटली लव दिस, इतना ब्यूटीफुल एंड स्लीक है ये। आई एब्सोल्युटली लव द यू नो ब्लैक कलर इन दिस, इसमें पिंक एंड गोल्डन कलर या रोज गोल्ड कलर भी आता है बट आई वेंट अहेड फॉर द ब्लैक वन बिकॉज यही मुझे क्लासिक लगता है। एंड सी लुक एट दिस, इसके रिव्यूज भी अमेजोन पे मैंने देखे अमेजिंग थे, उसके बाद ही मैंने इसे ऑर्डर किया है क्योंकि अगारो से मैंने पहले कभी कुछ ट्राई नहीं किया था। सो आई थिंक ये वर्थ द हाइप है एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। इसका मैंने कैसे यूज करते हैं उसका मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड किया है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोल दिया है, यहाँ से फर्स्ट नंबर पे ऑन हो जाएगा जो कि कूल मोड पे होगा, देन फास्ट होगा एंड देन हीट करेगा। 3 मोड्स है इसमें एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। या इसके बारे में क्या ही और तारीफ करें, आपके हेयर को स्ट्रेट करता है और सेट करता है और रिमूव कर देता है पूरा यू नो फ्रिजीनेस। सो आई एब्सोल्युटली लव दिस एंड जल्दी से सुखा देता है बालों को, नो टाइम वेस्ट एट ऑल। सो आई एब्सोल्युटली लव दिस। इसके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। अगर आपकी वेवी है, फ्रिजी हेयर है, दिस इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम गर्ल्स। यस एंड आपको इन जनरल भी अगर आपको ब्लो ड्राई इफेक्ट घर पे ही देना है विदाउट एनी हैसल और सैलॉन अपॉइंटमेंट्स तो दिस इज अ गो टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है जिसको मैं बार बार यूज करती रहती हूँ एंड पता नहीं मैंने कितनी बार रीस्टॉक किया होगा इस प्रोडक्ट को। एंड बहुत ही स्लीक है, अमेजिंग है, एब्सोल्युटली लव इट। एंड ये हमेशा मेरी पर्स में पाया जाता है। अगर आप मेरी वीडियोज उठाकर देखो तो आप उसमें देखोगे कि मैं डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल्स करना पसंद करती थी पर मेरे फ्लाईओवर्स वगैरह उसमें इतना शो एंड यू नो फिनिशिंग नहीं दिखती थी मेरे हेयर स्टाइल्स में। बट आई हैव फाउंड समथिंग वेरी अमेजिंग एंड दिस इज अ फिनिशिंग स्टिक। दिस इज अ हेयर फिनिशिंग स्टिक बाय हेयर हार्मनी एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। आई डोंट नो मैंने इसकी कितनी बॉटल्स रिपर्चेस करके खत्म भी कर दी है। एक मेरे हैंड बैग में होता है, एक मेरे स्लिंग बैग में होता है, एक मेरे ड्रॉवर में होता है, तो ऐसी बहुत सारी स्टिक्स मेरे पास है एंड यू कैन सी आई लव यू नो मेकिंग हेयर स्टाइल्स एंड स्टफ। एंड अभी भी मेरे हेयर को बहुत ही अच्छे से स्लीक और इसने मेंटेन करके रखा है, मेरे फिनिशिंग हेयर को दी हुई है इसने एंड मेरे फ्लाई अवेज बिल्कुल भी गायब हो चुके हैं। All thanks to this Hair Harmony finishing stick. I absolutely love it, vouch for it, and इसकी भी लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है, अपनी जस्ट हेयर स्टाइल बना लो एंड जस्ट यू नो रिमूव द एक्सेस एंड यू आर गुड टू यूज इट। जस्ट यूज इट एंड आपके फ्लाईओवर्स
स्लीक डाउन हो जाएंगे एंड योर हेयर विल लुक अमेजिंग. एंड या इसलिए इसका नाम है हेयर फिनिशिंग स्टिक, बिकॉज ये आपके हेयर को प्रॉपर फिनिशिंग देता है एंड नो फ्लाईअवेज एंड नो यू नो स्टूपिड हेयर फ्लाइंग अराउंड. सो आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. अ बिग 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 थम्स अप. ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड समथिंग दैट मैं हमेशा डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाने का यू नो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. कल भी इवेंट पे मैं गई थी तो मैंने हेयर स्टाइल लाइक ऐसे ग्लिटर वगैरह लगाए थे. ये अभी तक मेरे यू नो अच्छे से लगा हुआ है ग्लिटर, ऑल थैंक्स टू दिस फिनिशिंग स्टिक इट्सेल्फ. क्योंकि इससे पहले जब मैंने ना आई लैश ग्लू से लगाया था ग्लिटर, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल एंड वो मेरे बालों से निकल ही नहीं रहा था. इट अनॉयड मी लाइक एनी थिंग. एंड कल जो मुझे ग्लिटर लगाना था तो मैं अपना दिमाग लगाया एंड मैंने कोई ग्लू यूज नहीं किया, मैंने ये है हार्मनी की फिनिशिंग स्टिक ही यूज की, अपने हेयर्स को स्लीक डाउन करके उसके ऊपर अच्छे से चिपका दिया एंड लिटरली अच्छे से चिपक भी गया है ये ग्लिटर. आई एब्सोल्युटली लव इट. इट्स नॉन स्टिकी बट इट डिड माई वर्क एंड आई एब्सोल्युटली आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस. बहुत ही अच्छा क्वांटिटी है, जल्दी खत्म भी नहीं होता है, पूरा लिक्विड इतना भरा हुआ है एंड यू जस्ट नीड अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट. एंड कैन यू हियर, इसमें इतना सारा लिक्विड भरा हुआ है कि जल्दी से खत्म भी नहीं होता एंड सुपर अफोर्डेबल एज वेल. सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट बाय इफ यू आर लुकिंग फॉर यू नो स्लीक हेयर लुक एंड नीट क्लीन हेयर लुक. आपकी फ्लाईअवेज वगैरह ऑफकोर्स यू नो जितना भी आप मेहनत करो वो आपके लुक को बिगाड़ ही देता है. सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट and very affordable too. So yeah, this is another lovely product that I have in my vanity. Last but not the least, I have this Wish Care ka hair serum in my vanity which I'm using. ये actually worth the hype लग रहा है because इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा feel हो रहा है कि मेरे hair जो थोड़े थोड़े जाते थे अब वो भी hair wash में भी मेरे को ऐसे hair loss नहीं दिख रहा है. So I am absolutely liking this product. इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें like ingredients भी है, Redensil है और राइस वाटर, प्लांट केराटीन, बायोटीन, कैफे, ये सारी चीज़ें अच्छी है जो आपके स्कैल्प को एंड इसके अपने हेयर के रूट्स को यू नो स्ट्रॉन्ग करेगी, स्ट्रेंथ देगी. इट हैज ऑल द गुडनेस इन इट. इसमें ये भी लिखा है इट रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड इट बूस्ट हेयर ग्रोथ. सो आई रियली थिंक के हेयर फॉल तो मुझे बिल्कुल हो नहीं रहा है. अभी थोड़े बहुत हेयर वॉश के टाइम पे हेयर फॉल होते थे बट अब वो भी नहीं हो रहे हैं. सो आई रियली थिंक दिस इज वर्किंग. इसको मैं ऑफकोर्स थोड़े टाइम में ही खत्म होने वाला है तो इसको मैं रीपर्चेज भी करूंगी. सो या आई एम एब्सोल्युटली लाइकिंग दिस. ये कुछ तीन चीजें थी जो एक्चुअली मैं यूज कर रही हूँ. लास्ट 6 months से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं इनके अलावा कोई चीज को रीच आउट ही नहीं कर रही हूँ एंड दीज प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली वर्किंग आउट फॉर मी. एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए अपने लिए जो आपके साथ कंसिस्टेंसी यू नो मेंटेन करते हुए चले, आपको 10 न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करना ना पड़े, आई थिंक दीज 3 वर्क्ड अमेजिंग फॉर मी. एंड इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि हम अपने गिव अवे के रिजल्ट्स को अनाउंस करें. गिव अवे में थी ये चीजें एंड अनाउंस करूंगी मैं 2 विनर्स को फॉर 2 हैम्पर्स एंड द विनर्स आर. Congratulations to the winners and thank you so much for participating and being a part of my virtual family. See you very soon on my next video with another amazing giveaway. Till then, stay tuned and take care. Bye. Mwah.